साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम के शतक का। भारतीय नौसेना को मिला नया एंसाइन, डिजाइन लिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से। पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत देश को सौंपेंगे, पीएम बोले इससे इतने केबल और वायर लगे जो कि कोची से शुरू होता है तो काशी तक पहुंच जाएं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को बनाया निशाना, रमेश ने पीएम से पूछा क्या वे स्वीकार करेंगे कि यह सभी सरकारों के प्रयासों से हो सका है। सुशील कुमार मोदी के पीछे पड़ गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कहा आपको तो शायद याद ही होगी ये बात। एक और गैर कश्मीरी पर आतंकी हमला, पुलवामा में बंगाली मजदूर को आतंकवादियों ने गोली मारी, अस्पताल ले जाया गया। आप विधायक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, पंजाब में घरेलू हिंसा का शिकार हुई बलजिंदर कौर। इलाज नहीं मिला, मां की गोद में दम तोड़ा, अस्पताल के बाहर मां रोते हुए पुकारी उठ जा मेरा बेटा। ममता बनर्जी ने की आरएसएस की तारीफ तो मचा हंगामा, लेफ्ट ने बताया संघ की दुर्गा, ओवैसी भी भड़के। मिशन 2024 पर निकलेंगे नीतीश कुमार, दिल्ली से करेंगे शुरुआत, राजस्थान हरियाणा भी जाएंगे। एलसीए MK2 फाइटर जेट को सरकार की मंजूरी, 2024 में हो सकती है पहली उड़ान। सितंबर से बाड़ेबंदी में रहेंगे यूपी के एमएलए, आज रायपुर लौट सकते हैं चारों मंत्री। भूपेश बोले बीजेपी नेताओं का अपहरण करती है। सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने की आत्महत्या, शॉ फ्लैट की बालकनी में लटका मिला, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणाडु गिरफ्तार, दो नाबालिगों ने लगाई यौन उत्पीड़न के आरोप, पॉक्सो एक्ट में दर्ज है केस। मनसे नेता ने बुजुर्ग महिला को चाटा मारा, पीड़िता बोली शॉप के सामने पोल लगा रहा था, विरोध किया तो बदलस्लूकी करने लगा। केस में सीजीआई के सख्त टिप्पणी, बोले ना यूपीए ना पोटा, फिर भी एक महिला 2 महीने से कस्टडी में है। गाजियाबाद में बैंक में लगी आग, मैनेजर का केबिन पूरा जला, बॉर्थिंग ऑपरेटर से पहनकर घुस गए फायर फाइटर्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया श्रीकाशी विश्वनाथ का दर्शन, भूपेंद्र चौधरी बोले पूर्वांचल में नए सिरे से मजबूत करेंगे संगठन। भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष के बीच झड़प, झांसी में एक सड़क के 2 टेंडर को लेकर हुआ विवाद, मंत्री संजय निषाद कर रहे थे इंतजार। वायु प्रदूषण में 3 फैक्ट्रियों पर 9 लाख का जुर्माना, मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी किनारे उद्योगों में किए जा रहे प्रदूषण की जांच। नोएडा
पटना में फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल, पीछे एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठा था, ट्वीट कर लोगों ने की कार्रवाई की मांग। जिन्होंने शोरूम बनाया उन्हीं ने उद्घाटन किया, गोरखपुर में फीता काटकर शोरूम की ओपनिंग मजदूर बच्चों ने किया। संभल में दुल्हन प्रेमी संग हुई फरार, 3 महीने पहले हुई थी शादी, पति को नशीला दूध पिलाकर बालकनी में साड़ी बांध भागी। बांदा में 53 लाख रुपए से केन नदी पुल जगमगाया, जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने किया लोकार्पण, 6 महीने पहले हुआ था शिलान्यास। राधाष्टमी पर्व के इतिहास में पहली बार होंगे मथुरा के बरसाना में राधा रानी के लाइव दर्शन, मंदिर में भगवान के फोटो लेने की थी मनाही। कन्नौज में अपहरण कर चाचा भतीजे की हत्या, 2 दिन पहले खेत जाते वक्त हो गए थे लापता, काली नदी में मिले दोनों के शव। बदायूं में विपक्ष के साथ कुकर्म वीडियो सामने आया, इस्लामानगर कस्बा में हुई वारदात, पुलिस जता रही अभिज्ञता। औरैया के थाने में धरने पर बैठ गया रे पिता, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस पर लगाया मां बेटी को भगाने का आरोप। गोंडा में घाघरा के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी, बांध के आर पास गांव के ग्रामीणों को सता रहा है बाढ़ का खतरा, प्रशासन भी अलर्ट। बदायूं में महिला की पीटकर हत्या, कचरा डालने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी कुनबे के बताए जा रहे हैं। कानपुर में प्रोफेसर की छेड़छाड़ की शिकार छात्राओं का दर्द, बोली केबिन में बुलाकर करते थे कि कैमरा नहीं लगा है, परेशान मत हो। वकील दीप्ति चौधरी की सदस्यता निष्कासित, मेरठ बार एसोसिएशन ने बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया को लिखा पत्र। एक्शन में आगरा के एसएसपी प्रभाकर चौधरी, 24 घंटे में बदल दी फाउंड्री नगर पुलिस चौकी, 15 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खारिज की सीएमओ की रिपोर्ट, नवजात के मौत के मामले में 3 सदस्य तीन दिन में होगी रिपोर्ट। शामली के भूमियाखेड़ा मंदिर में फेंके गए मांस, 11 अलग अलग जगहों पर मिले टुकड़े, लोगों में आक्रोश। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर चलेगा बुलडोजर लेआउट, बिना 8 स्थानों पर की गई प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण के आदेश। बिजनौर में 4 दिन के लिए प्रदर्शनी बंद, सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क, दुकानदारों को हो रहा है नुकसान। चौकीदार दंपत्ति को डीजल जलाकर मारने का मामला, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार, 20 लाख की मांग पर अड़े। फतेहपुर में सांप काटने से किशोरी की मौत, घर के अंदर सो रही थी कोमल, कानपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम। आगरा के बा में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अधेड़ की आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था, कपड़े डालने को लेकर हुआ था विवाद। सीतापुर में युवती की हत्या में पुलिस के हाथ खाली, 4 दिन पूर्व खेत में कला रेत करी हुई थी युवती की हत्या, आरोपों की जांच में जुटे पुलिस।
हमीरपुर में 2000 हेक्टेयर खरीफ की फसल सड़ी, किसानों को हुआ भारी नुकसान, कृषि उप निदेशक ने की पुष्टि। हरदोई में कुश्ती में पहलवान को थप्पड़ मारना पड़ा महंगा, पहले रिंग छोड़कर भागा फिर चटा दी धूल। देवरिया में मिड डे मील में बड़ा धांधली, छात्रों को नहीं मिल रहा है भरपेट भोजन, छात्राओं ने वीडियो बनाकर की शिकायत। हापुड़ पुलिस हिस्ट्री शीटर की पड़ताल में जुटी, आपराधिक व्यक्तियों पर रहेगी नजर, पुलिस कर्मियों को दिए गए निर्देश। आगरा में एसएसपी के आदेश पर सघन चेकिंग, चौराहों पर पुलिस तैनात, वारदातें रोकने और जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने को की गई पहल। उत्तराखंड के पेपर लीक मामले में बदतस्वीर गिरफ्तारी, एसडीएम ने धामपुर में नकल कराने वाले आरोपी को हरिद्वार से पकड़ा। उत्तराखंड में 8 और भर्तियों ने धांधली के सबूत, वन दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा सहित इन भर्ती की भी हो सकती है जांच। उत्तराखंड के हरिद्वार में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू, 6 से भरे जाएंगे पर्चे, 28 को आएंगे नतीजे। सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तराखंड सरकार, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड में लंपी वायरस का कहर, प्रदेश में 6000 से अधिक पशु लंपी वायरस बीमारी से ग्रसित, 119 पशुओं की हो चुकी है मौत। विधानसभा में रिश्तेदारों की भर्ती का मामला, सीएम धामी ने विस अध्यक्ष को लिखा पत्र, उच्च स्तरीय जांच की मांग। उत्तराखंड सीएम ने किया 2-लेन पुल का उद्घाटन, कहा यात्रियों को मिलेगी राहत, जाम से मिलेगा छुटकारा। उत्तराखंड के खटीमा गोलीकांड, सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, कहा आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रेम विवाह करने पर दलित नेता की हत्या, पत्नी के सौतेली माता पिता भाई गिरफ्तार। उत्तराखंड के मंसूरी में मूसलाधार बारिश, बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला में बंद, सैकड़ों यात्री फंसे। देहरादून की बादल घाटी में अभी और दर्द दे सकता है मानसून, अभी अधिक बारिश होने की आशंका। सीबीआई को सौंपी जाएगी पेपर लीक प्रकरण की जांच, सीएम धामी जल्द ले सकते हैं इस पर निर्णय। उत्तराखंड के बागेश्वर में पॉक्सो ने अधिनियम में दोषी को 20 साल कठोर कारावास, 5000 जुर्माना भी। उत्तराखंड में नियुक्तियों पदे पर हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल की जुगलबंदी, बताए नियम संयम। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 70 नए मामले, ऋषिकेश चंद्रेश्वर नगर बना डेंगू का हॉटस्पॉट। बाइडेन ने ट्रंप को बताया डेमोक्रेसी के लिए खतरा, यूएस प्रेसिडेंट बोले ट्रंप लोकतंत्र के दुश्मन हैं, लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं।
शनिवार को श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने से पहले हो गए थे फरार। चीन में कोरोना के चलते चेंगू और शेनजिंग में लगा लॉकडाउन, इजराइल ने फिर किया सीरिया पर हमला। अमेरिका में मिले 30 से ज्यादा बच्चे मंकी पॉक्स से संक्रमित, अब तक 50 राज्यों में फैला वायरस। पाकिस्तान में बाढ़ से बन गई 100 किलोमीटर की झील, उपग्रह चित्रों में दिखा सिंधु नदी का तेज प्रभाव। अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश, उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर हमलावर नेतानी बंदूक गिरफ्तार। रूस के आल्किन की संदिग्ध मौत, सरकारी मीडिया बोला अस्पताल की छठी मंजिल से कूदे रावल। जिम्बाब्वे में महंगाई से लोग परेशान, बैंकों में रखने के बजाय गाय भैंसों में लगा रहे हैं पैसा, एक्सपर्ट ने इसे सोने से बेहतर बताया। तानाशाह चीन को यूएन चीफ का कड़ा संदेश, शी जिनयांग प्रांत में जारी प्रताड़ना को जल्द से जल्द रोकने की अपील की। सभा में इमरान ने करवाई बेइज्जती, कहा 1947 में पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ नहीं बल्कि 40 लाख थी। एसबीआई और मूडीज ने घटाया ग्रोथ अनुमान, मूडीज ने घटाकर 7.7% और एसबीआई ने 6.8% किया। सोनेट एक्स लाइन लॉन्च, भारत में इस एसयूवी की कीमत 13.39 लाख रुपए, कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ दो वेरिएंट्स मिलेंगे। भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हान होंगे स्टारबक्स के नए सीईओ, अगले साल संभालेंगे नया प्रभार। देश में रोजाना 28 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन, विकसित देशों को छोड़ा पीछे। ईडी ने ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई, श्रीलंकाई पिता पुत्र की संपत्ति जब्त। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन अब अलग अलग होंगे, एजीएम में बदलाव को मिली मंजूरी। क्रिप्टो एक्सचेंज ने $68 रिफंड के बजाय कस्टमर को दिए $72 लाख, काउंट नंबर टाइप करने की हुई थी ट्रांसफर। स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कैशबैक कार्ड लॉन्च पर खरीद पर मिलेगा फायदा। एनटीपीसी के बॉन्ड से जुटाएंगे 12,000 करोड़ रुपया, शेयरधारकों को मिली मंजूरी। अरबपति गौतम अदानी के नाम एक और उपलब्धि, निफ्टी में शामिल होगी अदानी इंटरप्राइजेज। समुद्र किनारे मस्ती करते टीम इंडिया का वीडियो हुआ वायरल, युजवेंद्र चहल ने कहा ऐसी की बनती है टीम। पोलार्ड के अविश्वसनीय कैच ने इंटरनेट में मचा दिया तहलका, सनसनीखेज कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
विराट कोहली के फॉर्म के बारे में बोले गौतम गंभीर, कहा हांगकांग के खिलाफ पारी से अंदाजा नहीं लगा जा सकता। रोहित शर्मा के बारे में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हाफिज ने दिया बड़ा बयान, कहा वह थक और घबराया हुआ है। पार्थिव पटेल की दो टुक ऋषभ पंत के लिए टीम में होनी चाहिए जगह, कहा ऋषभ को बल्लेबाजी की शुरुआत करनी चाहिए। केएल राहुल टीम इंडिया के लिए बनी परेशानी, 2022 में 90 के स्ट्राइक रेट से बना रहे रन। श्रीलंका ने 4 साल बाद लिया नागिन डांस का बदला, 2018 में नेदाहास ट्रॉफी का फाइनल खेलने की चूक गई थी टीम। विलियम्स बहने यूएस ओपन के पहले दौर में हारी, चेक रिपब्लिक का जोड़ी ने हराया प्लिस्कोवा, मुजुर्गुजा जीती। करो या मरो मुकाबले में हारा बांग्लादेश, श्रीलंका ने एशिया कप में सबसे बड़ा रन चेंज किया कुशल मेंडिस में, 37 गेंदों में बनाए 60 रन। सचिन तेंदुलकर 10 सितंबर को कानपुर में खेलेंगे मैच, इंडियन लीजेंड्स की कप्तानी करेंगे, ग्रीन पार्क में होंगे 2 मैच। शाहरुख खान के छोटे बेटे अब्राम पहुंचे लाल बागशा के पंडाल, बॉडीगार्ड्स के साथ बप्पा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। प्राइवेट जेट लेना चाहते हैं कार्तिक आर्यन, बोले सपने देखना थोड़ी छोड़ दूंगा, कुछ तो इस गरीब को सोचने दो। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुई अंकिता लोखंडे, बोली वो मेरे लिए सब कुछ था। लुक में नजर आए कृति सुरेश, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड शो में मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। टाइगर श्रॉफ ने दिशा पाटनी संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, बोले मैं हमेशा से उनका अच्छा दोस्त हूं। सोनू सूद ने किया बप्पा का स्वागत, व्हाइट फूलों से सजाए पंडाल, फैंस को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। बॉयकॉट कल्चर पर जावेद अख्तर का रिएक्शन, कहा अगर ऑडियंस को फिल्म पसंद आई तो फिल्म जरूर हिट होगी। सिद्धू मूसेवाला के गाने पर विक्की रणवीर ने किया डांस, बैक स्टेज में बैठी दीपिका पादुकोण और कृति सनन ने किया एंजॉय। आमिर खान प्रोडक्शन ने मांगी माफी, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद शेयर किया माफीनामा, फिर हुआ डिलीट। चारू और राजीव ने अपने रिश्ते को दिया एक और मौका, बोले हम अपनी बेटी के लिए बेस्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।